ये तो अभी मतलब जैसे मास्टर में थी, मास्टर कंप्लीट हुआ तो अब ये हुआ कि अब क्या करना है। घर से भी प्रेशर है कि कुछ करो कुछ करो, ताकि कुछ इनकम होता रहे, तो काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मतलब पैसे रहते हैं तो काम काफ़ी सारे करने को भी मन होता है, पैसे नहीं रहते हो तो फिर प्रॉब्लम ही होता है, फिर मन भी नहीं करता है। हाय, मेरा नाम नीलम गुप्ता है। जब मैं छोटी थी तब से बहुत लोगों को देखा, ऐसे जो भी मेरे सीनियर थे, कुछ एक दो सर थे मेरे जहाँ से मैंने स्केचिंग सीखा था, मतलब ज़्यादातर वो पोर्ट्रेट ही करते थे, तो वही चीज़ मैं भी देखती थी। तो मुझे लगता था कि पोर्ट्रेट से ही मतलब वो पेंटिंग, जैसे बोलते हैं ना एक आर्टिस्ट होते हैं पेंटिंग के, तो वो पोर्ट्रेट ही सिर्फ करते हैं। तो यही देखते देखते मेरे अंदर भी वो चीज़ आ गया, फिर शुरू से पोर्ट्रेट करने लगी। ये तो अभी मतलब जैसे मास्टर में थी, मास्टर कंप्लीट हुआ तो अब ये हुआ कि अब क्या करना है। घर से भी प्रेशर है कि कुछ करो कुछ करो, मंथली अगर मुझे इतना मिलता है तो मैं काम भी कर सकूं, प्लस घर पे भी कुछ ऐसी ज़रूरत है तो घर वालों को भी सपोर्ट कर सकूं, मतलब अपना आर्ट भी करना है, अपना करियर भी देखना है, तो इसलिए कमीशन वर्क करने लगे। और फिर ये LSA स्टार्ट आर्ट है प्रोग्राम जो, उसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं मतलब कंटिन्यू इंस्टा यूज़ कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम से मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट मिले, बहुत सारे आर्टिस्ट का काम देखने को मिला, उनका काम देख के फिर खुद में वो चीज़ इंप्रूव किया, फिर काम किया, तो अभी तो काफ़ी सारे चेंजिंग आए हैं वर्क में। ये भी है कि कमीशन वर्क भी मुझे मिला सोशल मीडिया से, और साथ ही साथ मतलब अपना काम इम्प्रूव तो हो ही रहा है। तो ये कोर्स करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने की मिली, कि कैसे अपने आर्ट को हम लोग प्रमोट करें, कैसे मेल किए करें, इंस्टा पे कैसे अपने वर्क को अपलोड करें, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं। तो पहले नहीं हो पाता था, पहले करते भी नहीं थे, अब वो चीज़ काफ़ी मतलब इम्प्रूव हुआ है, तो उस चीज़ से हम लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। इसकी वजह से कमीशन वर्क भी मिलने लगे, लोगों से बातचीत करने में भी काफ़ी आसानी हो गई, पहले नहीं बात कर पाते थे।